आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। शहडोल जिले के ब्योहारी में कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी की जन आक्रोश सभा आयोजित की गई, जहां अपने उद्बोधन के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमें देश एवं प्रदेश की जनता से बहुत प्यार है, हम झूठे वादे नहीं करेंगे। बीजेपी की फैक्ट्री में आदिवासियों पर रोज अत्याचार हो रहा है, भाजपा की प्रयोगशाला में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है, उनका पैसा चुरा लिया जाता है, देश के किसी भी क्षेत्र में मृत लोगों का इलाज नहीं किया जाता है, भाजपा की फैक्ट्री में हर दिन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, भाजपा की फैक्ट्री में हर दिन महिलाओं से बलात्कार होता है। बीजेपी की प्रयोगशाला में नेता आदिवासियों पर पेशाब करते हैं, भारत सरकार को 90 अधिकारी चलाते हैं एवं इन सभी फैसलों पर आखिरकार 90 अधिकारियों के हस्ताक्षर होते हैं और 90 अधिकारियों में से 3 अधिकारी ओबीसी वर्ग के हैं। कुल बजट में से केवल 5% बजट ओबीसी अधिकारियों को आवंटित किया जाता है। अगर सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी अधिकारी 5 रुपए तय करते हैं। इस देश में आदिवासियों को कितना अधिकार मिलना चाहिए, ओबीसी एससी एसटी को कितना अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए हमने जातीय जनगणना की बात कही है। हमारी नियति स्पष्ट है, हम यहाँ आपसे झूठ बोलने के लिए नहीं आए। कर्नाटक और राजस्थान सरकार ने काम शुरू कर दिया है और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आते ही हम सबसे पहले जातिगत जनगणना का काम करेंगे। हम आदिवासियों को भारत का हिस्सा देना चाहते हैं। पेशे उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता है, मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है और पैसा चोरी किया जाता है। मध्य प्रदेश में और किसी प्रदेश में शिव जी, भगवान शिव से चोरी नहीं की जाती है, मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिव जी से चोरी की जाती है। बच्चों के जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, उनका मिड डे मील का भोजन का पैसा होता है, वो बीजेपी लेबोरेटरी में उनसे चोरी की जाती है। मध्य प्रदेश के भविष्य से, छोटे छोटे बच्चों से चोरी की जाती है। व्यापम में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता है, 40 लोगों की हत्या हो जाती है, एमबीबीएस की सीट बिक जाती है और पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। मगर ये लोग वहां नहीं रुकते, बीजेपी के लेबोरेटरी में 18 साल में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। हर रोज 3 किसान बीजेपी की लेबोरेटरी में आत्महत्या कर डालते हैं। मंदसौर में बीजेपी की लेबोरेटरी में को गोली मारी जाती है, पे 18% और पेस्टिसाइड पे 12% जीएसटी लग जाती है। ठहरिए, बीजेपी की लेबोरेटरी में हर रोज महिलाओं का बलात्कार होता है। 12 साल की में रेप होता है। भोपाल में एक लड़की का बलात्कार होता है और जब उसका भाई उसे बचाने की कोशिश करता है तो पुलिस के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है। ये बीजेपी आरएसएस की लेबोरेटरी का काम। 45
सिलेंडर 11 और जहां भी देखो वहां पे प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्टलाइजेशन किया जा रहा है। ये काम बीजेपी के लेबोरेटरी में आपके सामने किया जाता है। बीजेपी के लेबोरेटरी में आदिवासी जिला है, बीजेपी के नेता आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हैं। ये मतलब था आडवाणी जी का जब उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी बनेगी को करके दिखाया है। आदिवासियों के बीच आया हूं तो आपके बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। देखिए शब्द बहुत जरूरी होते हैं। जब कमलनाथ जी भाषण देते हैं, हमारे नेता भाषण देते हैं, भाषण देते थे, मैं भाषण देता हूं, ऐसी शब्द का प्रयोग करते हैं। आपने हमारे मुंह से कभी वनवासी शब्द सुना है? आदिवासी शब्द बीच में फर्क क्या है? आदिवासी शब्द का मतलब जब पहले हिंदुस्तान आया, पहले लोग जो यहां रहते थे, जो इस जमीन के मालिक थे, उनको हम आदिवासी कहते हैं। मतलब ये कोई खोखला शब्द नहीं है, इसका मतलब हिंदुस्तान की जमीन, जल, जंगल पर आपका सबसे पहला हक बनता है, यह है इसका मतलब। दूसरी तरफ वनवासी मतलब आपका जमीन पे हक नहीं बनता, आप तो जंगल में रहते हो। इसीलिए बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता आदिवासियों पर पेशाब करते हैं। और जब कोविड का समय आता है तो जो जानवर को भी खिलाया नहीं जा सकता वो मध्य प्रदेश के आदिवासियों को खिलाने की कोशिश करते हैं। सड़ा हुआ अनाज आपको देते हैं। इनका कहना है कि आपको जंगल में रहना है। इनका कहना है कि आपके बच्चों को ना इंजीनियर बनना है ना लॉयर बनना, कि आपको बैंक लोन नहीं मिलना चाहिए, आपको आवास योजना में सही पैसा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आप जंगल के हो, आपको जंगल में रहना चाहिए और आपको जंगल में मरना चाहिए। यह है आदिवासी और वनवासी शब्दों का फर्क। साफ है जमीन का हक मिलना चाहिए, जंगल का हक मिलना चाहिए। और हम कानून लाए, क्योंकि हम खोखले वायदे नहीं करते, हम पैसा कानून लाए, हम फॉरेस्ट राइट एक्ट कानून लाए। अब इन पैसा कानून में साफ लिखा था जमीन लेनी है, चाहे वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उद्योगपति हो, अदानी हो, कोई भी हो, अगर जमीन लेनी है तो पहले जाकर हाथ जोड़कर ग्राम सभा के से जाकर पूछिए, नहीं तो जमीन नहीं ले सकते। ये कानून हमारी सरकार बनी थी, आपने बनाई थी, मध्य प्रदेश की जनता ने बनाई थी। 15 महीने हमारी सरकार चली, 11.5 महीने मुझे मिले काम करने के की लोकसभा चुनाव था, हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। कौन सी गलती मैंने करी?
हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और हमारे इस शहडोल जिले में 18,000 किसानों का कर्जा माफ किया। किया ये पहले किश्त में था, ये पहले किश्त में था, दूसरा किश्त चालू हो रहा था। कौन सी गलती मैंने करी? मैंने 100 रुपए 100 यूनिट 100 रुपए बिजली दी, कौन सा गुना मैंने किया? मैंने गौशाला बनाए, 1,000 गौशाला बनाए 11 महीनों में, कौन सा पाप मैंने किया? आज आप गवाह हैं। अगर हमने पेंशन बढ़ाई, आप गवाह हैं। हमने मध्य प्रदेश की पहचान बनाने की कोशिश करी कि मध्य प्रदेश में निवेश आए, निवेश आए, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। और ये निवेश तब आता है जब लोगों को प्रदेश में विश्वास होता है।